हेलो फ्रेंड्स मैं उदित इस वीडियो में हम बात करेंगे वेब होस्टिंग की अगर आपको एस अपना इंप्रूव कर रहे हैं तो वेब होस्टिंग का क्या रोल रहेगा उसके अंदर जो आप सर्वर स्पेस बाय करते हो अपनी होस्टिंग बाय करते हो अपनी वेबसाइट के लिए तो कौन सी होस्टिंग बाय करनी चाहिए और उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा वेबसाइट के अंदर वो हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर तो कोई भी वेबसाइट हो अगर आप चाहते हो कि गूगल उसको एक्सेस करे या, या यूज़र उसको एक्सेस करे तो आप उसको जब तक लाइव नहीं करोगे जब तक वो किसी को दिखेगी नहीं तो उसके लिए आपको होस्टिंग तो लेनी पड़ती है देर आर टू थिंग्स जो आपको लेनी है वेबसाइट को लाइव करने के लिए एक डोमेन होता है और एक होस्टिंग होती है तो होस्टिंग के अंदर जो टाइप्स होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे जैसे शेयर्ड होस्टिंग है पहली शेयर्ड होस्टिंग में बहुत सारे प्रोवाइडर्स के अलग अलग प्लान होते हैं तो स्टार्टिंग फ्रॉम सपोज थर्टी जी का एक होस्टिंग होता है फिर हंड्रेड जी का होता है फिर अनलिमिटेड स्पेस का होता है लेकिन रहेगा वो शेयर्ड ही किसी के साथ तो जब शेयर्ड रहेगा तो चाहे आप एक वेबसाइट चलाओ अगर उसने पाँच या दस चला रखी हैं उससे स्पीड का फ़र्क तो पड़ेगा तो शेयर्ड होस्टिंग इनिशियली एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास टू तो स्टार्ट विद लेकिन आगे जाके जब आपकी वेबसाइट के पेजेस बढ़ेंगे सर्विस बढ़ेंगी और अगर आप वेबसाइट में ब्लॉग बनाते हो तो आप सुल्डी शिल्डी जब आर्टिकल ऐड करोगे तो होस्टिंग की जरूरत पड़ेगी क्योंकि पेजेस भी बढ़ रहे हैं और क्योंकि ब्लॉग बना रहे हो सोशल मीडिया शेयर करोगे ऐसी यू करोगे तो ट्रैफिक भी बढ़ेगा तो दो चीज़ें जब हमारी वेबसाइट में बढ़ रही हैं ट्रैफिक भी और नंबर ऑफ पेजेस भी तो होस्टिंग भी बढ़ानी पड़ेगी अदरवाइज साइट स्लो होती जाएगी तो शेड होस्टिंग फर्स्ट सेकेंड हो गया वी पी का मतलब प्राइवेट जैसे लिखा हुआ है कि एक प्राइवेट स्पेस है हमारी जैसे एक बिल्डिंग है बिल्डिंग के अंदर हमारा एक घर जो है वो हमारा प्राइवेट है और कोई नहीं आ सकता उसके अंदर तो वो घर मैंने बाई किया वो तो सेम वे जो सर्वर्स होते हैं सर्वर में पता नहीं कितने टी बी इसके सर्वर होते होंगे मैंने एक अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना एक लिमिटेड स्पेस बाय कर लिया जो सिर्फ मेरा है उसमें और किसी की शेयरिंग नहीं है ठीक है तो उसको बोलते हैं वी वर्चुअल प्राइवेट सर्वर जैसे मैंने जो करंटली लिया हुआ है वो सिक्सटी जी का है एटी का भी आता है वन ट्वेंटी का भी आता है उससे भी ज़्यादा आते होंगे डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट पे जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट वो वैसा बाय कर सकता है अगला होता है डेडिकेटेड सर्वर मतलब पूरा का पूरा सर्वर ही आपका तो बड़ी बड़ी जो ई कॉमर्स साइट्स हैं बड़े बड़े जो पोर्टल्स हैं उनके डेडिकेटेड सर्वर्स होते हैं ठीक है क्योंकि उनकी साइट में ट्रैफिक भी बहुत होता है जैसे नौकरी डॉट कॉम है कितने लोग रोज़ अपने रिज्यूम सबमिट करते हैं प्रोफाइल अपडेट करते हैं प्लस उनकी साइट में कितना ट्रैफिक है तो अगर वो डेडिकेटेड सर्वर नहीं लेंगे तो साइट स्लो भी हो जाएगी और क्रैश भी हो जाएगी ठीक है स्लो एज इन जब लिमिटेड स्पेस होता है और पेजेस बहुत ज़्यादा डालते हो आप तो स्लो हो जाती है लेकिन जब ट्रैफिक ज़्यादा आता है तो जो एक बैंडविड्थ चीज़ होती है तो उसकी वजह से आपकी साइट क्रैश भी हो सकती है ठीक है जैसे बहुत बार आपने देखा होगा आई सी की साइट अर्ली मॉर्निंग खोलो तो नहीं खुलती एग्ज़ाम के रिजल्ट देखने हो तो नहीं खुलती कोई ई कॉमर्स साइट पे कोई एक्स्ट्रा ऑफर लग जाए आप सब बैठ जाते हो ऑफ़र क्लेम करने तो वो वे साइट ओपन ही नहीं हो पाती क्रैश हो जाती है तो वो सब चीज़ें क्लाउड सर्वर एक बहुत बढ़िया चीज़ है क्लाउड सर्वर में क्या होता है कि आप जैसे क्लाउड सर्वर लोगे तो मल्टीपल क्लाउड्स में मल्टीपल लोकेशंस में आपकी वेब फाइल्स को सेव कर दिया जाएगा तो वेबसाइट स्पीड का तो उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा लेकिन जब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आएगा तो कुछ परसेंटेज ट्रैफिक को एक सर्वर से आपको फाइल्स रेंडर हो जाएंगी कुछ ट्रैफिक को दूसरे सर्वर से कुछ ट्रैफिक को तीसरे सर्वर से तो आपकी साइट का जो क्रैश होने का सिस्टम है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा आपकी साइट क्रैश नहीं होगी ठीक है तो क्लाउड सर्वर तो फिर और भी बहुत बड़ी बड़ी साइड जिनमें ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आता है ठीक है तो वो लोग लेते हैं तो शेयर्ड हो गया वी पी हो गया डेडिकेटेड हो गया और क्लाउड सर्वर हो गया ठीक है अब जैसे बिल्डिंग है बिल्डिंग हो गई डेडिकेटेड बिल्डिंग का एक पर्टिकुलर घर पूरा मेरा है वो वी पी हो गया अब वो घर टू बेडरूम है थ्री बेडरूम है फोर बेडरूम है वो मैं कैसा प्लान लेता हूँ और शेड का मतलब वन बेडरूम भी हो सकता है टू बेडरूम भी हो सकता है थ्री बेडरूम भी हो सकता है लेकिन रहेगा शेड मेरे साथ और लोग भी यूज़ करेंगे उसको तो ऐसा समझ लो इसका अब जब हम सर्वर लेते हैं तो कुछ भी नहीं पता होता हमें बस जैसा वो वेब डिज़ाइनर हमें बोलता है कि सर सर्वर ले लेता हूँ तो हम बोलते हैं चलो ले लो हमें तो बस साइट को लाइव करने से मतलब होता है लेकिन जैसे मैंने अपनी वेबसाइट भी खुद बनाई है उसको फिर डोमेन भी लिया होस्टिंग भी ली फिर होस्टिंग में क्या क्या चैलेंजेस आए फिर मैंने अपग्रेड किया टाइम टू टाइम तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं और अगर आप किसी और से काम कर रहे हो तो हर चीज़ वो कर रहा है उसको नॉलेज है उसको आइडिया है लेकिन जब आप खुद करते हो तो कुछ नहीं आता होता तो सबसे पहली चीज़ जो आपने होस्टिंग लेते हुए सोचनी है कि आज चाहे मेरे पास दस तरवे सीजन लेकिन नियर फ्यूचर में कितनी बढ़ सकती हैं क्या मैं वेबसाइट में ब्लॉग बनाऊंगा या नहीं बनाऊंगा तो अमाउंट ऑफ स्टोरेज उसके हिसाब से लोगी ठीक है अब आपकी वेबसाइट में कितना ट्रैफिक है कितना ऐसा फ्रीक्वेंसी है कि आप बहुत सारा डेटा अपलोड करोगे या डाउनलोड हो जैसे यूट्यूब की बात करें तो कितने लोग जब ब्राउज़ करते हैं उसको डाउनलोड बोलते हैं और कितने लोग अपलोड भी करते हैं नए नए वीडियोस तो यूट्यूब के अंदर जो बैंडविड्थ है वो बहुत ज़्यादा चाहिए तो वैसे तो आजकल जो भी होस्टिंग प्लान है वो अनलिमिटेड बैंडविड्थ देते हैं आपको तो बैंडविड्थ का को कोई इशू नहीं आएगा तो स्टोरेज देखेंगे फिर जैसे डोमेन होता है ए बी सी डॉट कॉम लेकिन अगर ए बी सी डॉट कॉम स्लैश ब्लॉग है तो ब्लॉग जो है उसको हम बोलते हैं डायरेक्टरी लेकिन आपने कई वेबसाइट देखी होंगी उसमें होता है जैसे बड़े बड़े जो पोर्टल्स होते हैं उसमें होता है जैसे इंडिया की साइट है तो इन डॉट गोडरेडी डॉट कॉम हुआ ठीक है चलो मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे खोला गोडरेडी डॉट कॉम अब उसने मेरा आईपी एड्रेस ट्रैक कर लिया तो ऑटोमेटिकली उसको पता है मैं इंडिया में बैठा हूँ तो वो इन वाली साइट पर ले आया मुझे लेकिन बॉटम में चलते हैं एक बार जैसे इंडिया इंग्लिश लिखा हुआ है तो यहाँ पर आप देख रहे हो बहुत सारे आ गए तो अगर मैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में जाता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हो कि ए हो गया तो हर कंट्री का इन्होंने क्या सब डोमेन बनाया उसको बोलते हैं सब डोमेन ठीक है अब जब भी आप होस्टिंग लेते हो सपोज आपका भी प्लान है कि मुझे मल्टीपल कंट्रीज़ में टारगेट करना है और मैं भी सब डोमेन बनाऊँगा तो आपकी होस्टिंग पे डिपेंड करेगा आप कितने सब डोमेन बना सकते हो ठीक है डायरेक्टरीज तो आप अनलिमिटेड बना सकते हो लेकिन सब डोमेन होस्टिंग पे डिपेंड करता है जैसे मैं अपनी वेबसाइट दिखाता तो मेरी साइट है बेसिकली स्टैटिक लेकिन मैंने अपनी वेबसाइट में एक डायरेक्टरी बनाई हुई है और उस डायरेक्टरी के अंदर मैंने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया हुआ तो मेरी वेबसाइट जो है नॉर्मल जब होम पेज पर आप आते हो तो वो स्टैटिक वेबसाइट है एस लेकिन जब स्लैश ब्लॉग लिखते हो तो वो एक अलग फोल्डर है जिसमें मैंने वर्ड प्रेस इंस्टॉल किया हुआ है और ये आप जो साइट देख रहे हो ये अभी आप वर्ड प्रेस में हो ये सारे ब्लॉग्स हैं ठीक है और ये कहाँ पे है कौन सी डायरेक्टरी में ब्लॉग में और जब मैं किसी इनर पेज पे जाता हूँ तो अब ब्लॉग का पेज जो होता है उसमें लास्ट में स्लैश होता है लेकिन अगर आप मेरी स्टैटिक वेबसाइट पर जाओ और उसके अंदर किसी भी पेज पर पे चलो किसी भी पेज पर पे, तो किसी भी पेज पर पे जाओगे तो देखो लास्ट में क्या लगा हुआ है डॉड एच तो ये एस साइट है स्टैटिक साइट ठीक है और वो डायनामिक साइट है वर्ड प्रेस में तो जो मैंने वर्ड प्रेस बनाया कैसे बनाया मैंने एक डायरेक्टरी बनाई है मैंने एक फोल्डर बनाया जिसका नाम दिया ब्लॉग और उसके अंदर वर्डप्रेस इंस्टॉल कर दिया सेम काम मैं चाहता तो सब डोमेन में भी कर सकता था लेकिन क्यों नहीं किया वो मैं हम बाद में बात करेंगे उसकी तो सब डोमेन की बात हो गई अब नंबर ऑफ डोमेन डोमेन्स कई होस्टिंग होती है जिसमें एक ही वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं कई होते हैं जिसमें दो तीन कईों में अनलिमिटेड भी कर सकते हैं तो वो आप पे डिपेंड करेगा आपको कौन सी होस्टिंग लेनी है और आपके कितने हैं डोमेन्ियर फ्यूचर में और कितने बढ़ सकते हैं ईमेल अकाउंट्स अब जैसे कंपनी का आपने डोमेन लिया तो कंपनी की ई मेल भी बनाओगे तो वो भी डिपेंड करता है आपकी होस्टिंग के अंदर फिर होस्टिंग के अंदर डेटा बनाने का ऑप्शन है या नहीं है इंस्टॉल अब जैसे आप वर्ड इंस्टॉल करोगे तो आजकल एक ऑप्शन होता है होस्टिंग के अंदर जिसको बोलते हैं वेब एप्लीकेशन वेब एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारी एप्लीकेशन होती हैं जहाँ पे आप क्लिक करो तो बोलते हैं इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन फिर पूछता है कि किस डोमेन पे करना ठीक है सब डोमेन पे करना है या डायरेक्टरी में करना है वो सब चीज़ें फिर आप वो प्रोसेस को फॉलो करके आप कोई भी प्लेटफॉर्म बहुत ईजिली इंस्टॉल कर सकते हो अपने डोमेन पे तो वो भी होस्टिंग लेते टाइम आपको ध्यान में रखना है कि वो सब चीज़ें होनी चाहिए चीज़े। फिर ऑब्वियसली इंडिया है सबसे ज़्यादा चीज़ मैटर क्या करती है प्राइस अब होस्टिंग बेकार लेने का रीज़न एक ही है क्योंकि सबको सस्ते में चाहिए अब आप शॉप लेते हो शोरूम लेते हो मॉल में लेते हो वन लाख रुपीस रेंट होता है और यहाँ पे अगर आप वीपीएस भी लेते हो ना टू टू थ्री थाउजेंड रुपीज़ पर मंथ ओनली वेबसाइट तो एक बार बनवा लिया आपने मार्केटिंग का जो खर्चा है वो अलग है लेकिन जो वेबसाइट को होस्ट करने का खर्चा है वो आप तीन हज़ार पर मंथ आपको बहुत ज़्यादा लगता है आप चाहते हो कि तीन हज़ार रुपये एक साल वाली मिल जाए आपको तो जब तीन हज़ार वाली साल वाली लोगे तो स्पीड का इशू तो आएगा तो वो प्रॉब्लम होस्टिंग की बाद में पहले तो आपको नॉलेज नहीं है इसलिए आपने गलत होस्टिंग ले ली तो वो होस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो गई यहाँ पर फिर जैसे मैंने बोला कि पहले तो आप जब डिज़ाइन करवाते हो तो सब चीज़ें डिज़ाइनर करता है लेकिन बाद में अगर खुद करनी है तो पैनल समझना इतना आसान नहीं है काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं तो फिर जैसे गोड्डेडी हो गया रॉक हो गया होस् गेटर इन लोगों के टेक्निकल सपोर्ट बहुत अच्छे हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी देते हैं फिर कहीं होस्टिंग ऐसी है कि अब जैसे बहुत बड़ी बड़ी साइट है अब कुछ भी सिक्योरिटी ले लो हैक तो कभी भी हो सकती है वायरस भी आ सकता है ठीक है ना तो अगर साइट का बैकअप है तो कोई फर्क नहीं पड़ता फटाफट से साइट रिकवर कर सकते हैं लेकिन वो भी अब डिपेंड करेगा होस्टिंग कौन सी ली है उसमें साइट बैकअप का ऑप्शन है या नहीं नहीं तो होस्टिंग में ना हो तो आप चाहो तो साइट को मैनुअली बैकअप ले सकते हो पर लेकिन इतना टाइम किसके पास से करने का तो होस्टिंग ले लो साइड बैकअप ऑटोमेटिकली करते हो ठीक है ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे लैपटॉप की बात करते हैं तो यहाँ पे हम बात करते हैं ना विंडोज और मैकबुक जैसे मैकओ एस एक्स तो वैसे ही जब हम होस्टिंग लेते हैं वहाँ पे भी विंडोज होता है और वहाँ पे भी दूसरा जो होता है लिनक्स तो लिनक्स वाली हम यहाँ पर ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि उसको वर्डपस सपोर्ट करता है फिर एक्स्ट्रा एप्लीकेशन जैसे वर्डपेस एक एप्लीकेशन हो गया और भी बहुत सारी एल्लीकेशन होती हैं फिर कहीं होस्टिंग ऐसी होती है जिसमें एक साल की होस्टिंग लो हो, तो डोमेन भी फ्री मिलता है तो लालच देने वाली बात है कि एक साल की लोगे तो डोमेन फ्री मिलेगा तो डोमेन तो एक बैकएंड में एजेंसी है जैसे देखते हैं इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी चलें इस साइड पे। तो ये साइट है जिसका मतलब लोगों ने एपीआई लगाया हुआ है तो इस साइड पे आके लोग ठीक है देखते हैं डोमेन्स में क्या है अभी तो इन्होंने सिर्फ ग्लॉसरी की बात की हुई है अदरवाइज़ इसकी जो ए है वही गोडेडी ने वही बिग रॉक ने वही होश गेटर ने वही ब्लू होश ने सब ने लगाई हुई है तो जब भी आप कोई डोमेन सर्च करते हो एक जगह से आपने सर्च किया बाकीियों से भी किया मिल रहा है एक जगह से बाय कर लिया बाकी जगह पे भी अन अवेलेबल आ जाएगा ठीक है क्योंकि वो एक ही ये जो इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी है ये मैनेज करती है डोमेन्स को और एक जगह से अगर डोमेन बाय हो गया तो वो कोई दूसरा तो ले नहीं सकता तो ऑटोमेटिकली हट जाता है वहाँ से तो अब डोमेन्स तो यहाँ से कॉल हो रहे हैं ठीक है जितने का ये दे रहा होगा हो सकता है उतने का ही दे रहे होंगे लेकिन जो जितने डिफरेंट प्रोवाइडर्स हैं गोडेडी बेग्रॉप ये कमाते कहाँ से ये कमाते हैं मेन होस्टिंग से तो ये जानने की जो हमारा कस्टमर है वो हमारे साथ जुड़ जाए एक साल तक तो एक साल तक जुड़ेगा तो पाँच हज़ार भी और पाँच हज़ार में अगर हमें पाँच सौ रुपये का डोमेन फ्री देना भी पड़ रहा है जिसकी पेमेंट हमें करनी भी पड़े तो क्या इशू फोर्टी फाइव हंड्रेड तो हमने अर्न कर लिए तो इसलिए तीन साल की होस्टिंग तक गोडेडी तीन साल का डोमेन भी फ्री था ठीक है तो दो हज़ार रुपये तो उसने आगे दे दिए लेकिन सोचो तीन साल की होस्टिंग के कितने कमा भी तो लिए तो ये सब चीज़ें आपने होस्टिंग लेते हुए सोचनी होती है लेकिन कोई सोचता नहीं है ठीक है वेबसाइट आपने अपलोड करी तो कितने टाइम में दिखनी शुरू हो जाएगी अब टाइम कितना है अब जो गोडेडी है गोडेडी अपने आप को अपडेट भी करता रहता है तो वो अप टू डेट है एकदम और काफ़ी सारा सपोर्ट मिलता है इसके अंदर तो अगर आप अच्छी होस्टिंग प्रोवाइडर से लेते हो चाहे हज़ार रुपये आपको ज़्यादा लग रहे हैं लेकिन सपोर्ट मिल रहा है सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है जैसे मैं आपको कुछ ओपन करके दिखाता हूँ यहाँ पे गोडेडी डॉट कॉम जैसे मैंने एक पैनल लॉग इन हो गया ऑटोमेटिकली तो यहाँ पे मैंने कौन सी होस्टिंग ली हुई है जैसे डोमेन लिया वो डिजिटल प्रोज डॉट इन और होस्टिंग मैंने लिया है ये शेयर्ड होस्टिंग है शेयर्ड में बहुत सारे प्लान्स होते हैं जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ गोडेडी डॉट कॉम उसके बाद इसके मेन्यू के अंदर होस्टिंग होस्टिंग के अंदर वेब होस्टिंग ये शेयर्ड होस्टिंग है शेयर्ड होस्टिंग के अंदर इकॉनमी डिलक्स अल्टीमेट मैक्सिमम अब क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को खोला हुआ तो प्लान थोड़े डिफरेंट है लेकिन अगर मैं इंडिया को खोल के दिखाता हूँ वहाँ पर थोड़े अलग आते हैं प्लान तो हर कंट्री के अलग अलग प्लान्स बनाए हुए हैं इंडिया में दो तो लैंग्वेजेज हैं इंग्लिश और हिंदी तो ये होस्टिंग में वापस आ गया तो यहाँ पर देखो इकानमी नहीं है पहला और लास्ट में मैक्सिमम भी नहीं है तो यहाँ पर स्टार्टर है और अल्टीमेट है लास्ट तो यहाँ पे 449 पर मंथ तो दे रहा है लेकिन वो बोल रहा है कि तीन साल का लोगे तब दूंगा अदरवाइज़ एक एक महीने का लेना है तो ट्रिपल नाइन का मिलेगा तो यह आपका शेयर होस्टिंग हो गया इसमें एक ही वेबसाइट होस्ट कर सकते हो इसमें भी एक इसमें अनलिमिटेड वेबसाइट्स इसमें आपको डोमेन मिलेगा एक साल का लोगे तो इसमें थर्टी जी बी मेमरी इसमें हंड्रेड जी बैमरी इसमें अनलिमिटेडेड इसमें अनलिमिटेड अब एस एस एल सर्टिफिकेट क्या होता है जैसे आप देखते हो ना कि ये देखो लॉक बना हुआ है ऊपर ठीक है कनेक्शन इज सिक्योर तो ये होस्टिंग लोगे तो एक साल के लिए एस एस एल भी फ्री मिलेगा जिससे आपकी वेबसाइट एच टी टी पी से एच टी टी पी एस हो जाएगी क्या हो जाएगी एच डी टी पी एस हो जाएगी तो ये एक सिक्योरिटी लेयर होती है सिक्योर सॉकेट लेयर बोलते हैं इसको तो ये हो गया अब हम चलते हैं दूसरी होस्टिंग में अब तो मैं जाता हूँ यहाँ पे सर्वर्स पे सर्वर में दो दिखा रहा है एक पूरा सर्वर और एक सर्वर का पार्ट सर्वर का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं वी तो मैंने अपनी वेबसाइट के लिए जो लिया हुआ है वो है आई थिंक ये फोर जी वाला लिया हुआ है इसमें पहले सिक्सटी जी था अब इसने इसको चेंज करके हंड्रेड जी कर दिया तो चलो बढ़िया है ठीक है इससे स्पीड काफ़ी इंप्रूव हो जाती है अब मैं वैसे सोचता था, था कि मैं ये वाली लूँगा इसमें एट जी बी रैम होगी अब जैसे कंप्यूटर में स्पीड कैसे बढ़ती है रैम से तो यहाँ पे भी अगर आपको अपनी वेबसाइट की स्पीड बढ़ानी है तो सिर्फ स्पेस नहीं रैम भी बढ़ानी पड़ेगी तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं छब्बीस टू सिक्स सेवन नाइन ठीक है अगर दो साल के लिए भी लेनी पड़े तो ठीक है ले सकते हैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और करनी पड़ेगी अगर आपको बिजनेस रन करना है तो फिर डेडिकेटेड ऑब्वियसली जब छोटा स्पेस ले रहे हो तो इतना महंगा डेडिकेटेड लोगे तो बहुत ही महंगा आएगा तो ये आठ पर मंथ एक साल का लेने का प्राइस होगा ये ठीक है आप देखो ये भी कुछ निकाल रखा है एस जो फास्टर है और ग्यारह साढ़े ग्यारह हज़ार वाला बारह हज़ार कुछ होगा सिक्सटी फोर जी बी रैम थर्टी टू जी बी रैम ये ले लिया तो स्काई रॉकेट हो जाएगी स्पीड लेकिन इतना खर्चा कौन करेगा लेकिन इतना खर्चा करना कोई बुरी डील नहीं है अगर ये करके मेरी ऐसी रैंकिंग अच्छी हो जाए मेरी मोबाइल स्पीड बढ़ जाए मेरी डेस्कटॉप स्पीड बढ़ जाए तो सब रिकवर हो जाएगा क्या हो गया एक स्टूडेंट एक्स्ट्रा आ गया अगर मेरी लाइव क्लासेज में तो कवर हो जाएगा कोई भी इशू नहीं है ठीक है ना मेरे दो इंस्टीट्यूट्स हैं मेरी दो तीन वेबसाइट्स हैं मेरी एक सर्विस की है एक ट्रेनिंग की है तो फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन अगर मैं इसको अब इंटू ट्वेल्व करके देखूंगा तो मुझे लाखों बहुत ज़्यादा लगेंगे लेकिन पर मंथ करके देखूंगा और माइंड मेकअप कर लूँगा तो हो जाएगा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ठीक है तो ये सब चीज़ें आपने डोमेन लेते हुए देखनी है तो जैसे मैं आपको दिखा रहा था वेब होस्टिंग में चलते हैं तो वेब होस्टिंग के अंदर सी पैनल होता है कंट्रोल पैनल कंट्रोल पैनल के अंदर मैं जाके दिखाता हूँ आपको जब भी हम होस्टिंग लेते हैं तो सबसे पहली चीज़ होती है कि जैसे मेरी टारगेट ऑडियंस है इंडिया की तो मेरा सर्वर भी ना इंडिया में लोकेटेड होना चाहिए तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा लेकिन गोड एडी ना इंडिया में कोई श्योरिटी नहीं देता लेकिन वो कहता है मैं एशिया में दे सकता हूँ आपको तो एशिया बहुत बड़ा है एशिया में कहीं मिलेगा फिर तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ सर्वर तो ये सर्वर नए एशिया का लिया हुआ है ठीक है ये हमारा आई पी एड्रेस है तो जो हर होस्टिंग का एक आई पी ड्रेस होता है ठीक है फिर एस एस सर्टिफिकेट मैंने नहीं किया हुआ बाय तो कहेगा ले लो वेबसाइट सिक्योरिटी परचेज कर लो तो ये और भी इसके कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो ये सेल कर रहे हैं हमें अकाउंट में आते हैं ठीक है वही है इकॉनमी होस्टिंग बट डिटेल बता रहा है फिर सी पैनल में आते हैं तो बहुत फुल फ्लैज एक पैनल देगा आपको तो अंदर जाने के बाद स्टोरी कुछ और होती है जैसे ये लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो वेब एप्लीकेशन तो वर्डप्रेस वगैरह सब लिखा हुआ है ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन है यहाँ पर फिर ये सब चीज़ें कर सकते हैं इसके अंदर डेटाबेस का ऑप्शन भी दिया हुआ है डोमेन्स भी इकॉनमी है तो एक ही चलेगा वैसे दूसरी होस्टिंग होती तो और भी ऐड कर सकते थे ठीक है फिर ई मेल्स के ऑप्शन दिए हमें तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मुझे भी नहीं आती बहुत सारी लेकिन जितनी मुझे रिक्वायर्ड है उतनी आती लेकिन जितनी मुझे रिक्वायर्ड होती हैं पहले वो भी नहीं आती थी तो मैं गोडाडी को फ़ोन करता था वो घंटों मुझसे बात करते थे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करते थे लेकिन क्योंकि मैंने अपनी सारी प्रॉब्लम फ़ोन पे खुद करी है तो नेक्स्ट टाइम मुझे कॉल नहीं करना पड़ता था नेक्स्ट टाइम मैं खुद ही कर लेता था तो वन टाइम तो एफ़र्ट देना पड़ेगा अदरवाइज़ अगली बार से खुद हो जाए जैसे ये बोलते तो हैं कि अनलिमिटेड स्पेस देंगे लेकिन एक जगह आपको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं वो क्या है नंबर ऑफ़ फाइल्स नंबर ऑफ़ फाइल्स वो कहता है ढाई लाख से ज़्यादा यूज नहीं कर सकते आप अब अगर आपने वेबसाइट ली अपने होस्टिंग लिया अनलिमिटेड डोमेन्स वाली अनलिमिटेड स्पेस वाली तो आप बहुत सारी वेबसाइट होस्ट करोगे लेकिन जहाँ ये नंबर ऑफ़ फाइल्स ढाई लाख हो गया खत्म ठीक है जैसे आपने एक वेबसाइट बनाई डायनमिक उसका बहुत सारा कंटेंट डाल दिया उस पर बहुत बड़ी साइट बन गई लेकिन हर डायनमिक साइट में एक चीज़ होती है डेटाबेस वो डेटाबेस की जो लिमिट होती है एक जी से बड़ा डेटाबेस नहीं हो सकता वो भी एक लिमिट कर देगा आपको ठीक है सब चीज़ों में बोलता तो अनलिमिटेड है स्पेस भी अनलिमिटेड बात करेगा डिस्क स्पेस ये होस्टिंग में हंड्रेड जी बी अदरवाइज ऐसा बना हुआ आता है इन्फिटी अनलिमिटेड लेकिन फिर भी लाख वाली जो चीज़ है वो रिस्ट्रिक्ट करते थे थी। ठीक थी। है तो ये सब बेसिकली होस्टिंग में है जो आपको कंसिडर करना है ठीक है थैंक यू कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू